नमस्कार आदाब सत श्री अकाल, की हाल चाल। आज का तापमान अमेरिका में इस समय बहुत ही ठंडा है, -5 डिग्री सेंटीग्रेड। ठीक है, कहाँ की बिटिया हमारी? अब ऐसे टेम्परेचर में हम सब जा रहे हैं ताइक्वांडो करने। ठीक है, ताइक्वांडो का ड्रेस आप देख लीजिए। अब ताइक्वांडो का ड्रेस दिखाते दिखाते मेरे पेट में ठंड में लग गई, जितने देर तक मैंने खोल के दिखाया था आपको। तो जब बर्फ़ गिरने लगती है ना, तो कार का ये वाला डंडा हम सब खड़ा कर देते हैं, नहीं तो सफाई करते समय फंस जाता उसी में तो निकलता। हे डोंट थ्रो एट मी, व्हाट यू जस्ट सेड। ओके, आप देख सकते हैं कि कितना बर्फ़ गिर रहा है, आज पूरी रात भर गिरेगा। सवेरे में आपको दिखाऊंगा कि कितना बर्फ़ गिरा है। पानी बरसे चाहे बर्फ़ गिरे, लेकिन अमेरिका में काम रुकता नहीं है। एक ही काम ये सब बंद करते हैं, वो है स्कूल, वो भी सरकारी और प्राइवेट। ठीक है, सरकारी स्कूल सबसे पहले बंद होता है। इनको अगर रचनी सा भी अगर बर्फ गिर गया तो भी बंद कर देते हैं, लेकिन इस बार तो मुझे लगता है आज रात भर, अभी सवे शाम के जो है 5-6 बज रहे हैं और आज रात के 1-2 बजे तक स्नो गिरेगा इसी तरीके से, तो आप समझ लो कि कितना बर्फ गिरने वाला है आज। अब आप देख सकते हैं आज रात भर बारिश नहीं स्नो होगा। और हमारी बिटिया ने हम कैमरा पकड़ा है, इधर देखा ना। तो ताइक्वांडो, जैसे कि मैं बता रहा, ताइक्वांडो बंद नहीं है, खुला है रात में, वो भी स्नो के सीजन में। सरकारी काम जैसे मैंने बताया था, स्कूल सबसे पहले बंद करते हैं। थोड़ा सा भी गिर गया, रच्ची सा भी, इत्तू सा भी बर्फ़ गिर गया, तब भी वो बंद कर देते हैं। इत्तू सा पानी बरसा के स्कूल बंद। तो कल जो है स्कूल, अभी से ईमेल आ गया है कि भैया 2 घंटे देर में स्कूल खुलेगा। ठीक है, अब बताओ 2 घंटे देर और पहले में क्या उनको मिल जाएगा। आप देख सकते हैं कितने तेज़ी से बर्फ़ गिर रहा है। और जब तक बर्फ़ गिरता रहता है बड़ा ही अच्छा लगता है, आनंद आता है ना। अन्या तुम्हें स्नो पसंद है? या मुझे भी पसंद है। ओके, आप देख सकते हैं कितना बड़ा फील्ड है, कार पार्किंग लॉट है। और जो है सब, अभी तो ज़्यादा बर्फ नहीं गिरा है, 1-2 इंच होगा फिलहाल। और कोई बर्फ खा भी रहा है, खा रहे हो क्या अन्या? I heart you. Okay. 1, 2, 1, good job. अपना अमेरिका और अन्य कम ऑन। I heart you on the ground. Nobody knows who it. देखिए ताइक्वांडो यहाँ पे हो रहा है। अरे ना, बटन दबाओ। देख रहे हैं कार पे हमारे जो है इसका नाक चू रहा है, मेरी कार का नाक चू रहा है, देख रहे हैं क्या डरावना सा लग रहा है। सो अलग देख रहे हैं, एकदम पूरा कश्मीर की वादियां भी लग जैसा लग रहा है। ओके गाइस, कौन बैठेगा इस पे, कौन बैठेगा? कोई नहीं बैठेगा, कोई बात नहीं, हम अकेले जाए। देखो पानी, इतना पानी जमा हुआ इधर है, अब पानी देखने से लग रहा है कि पानी है नहीं है। ठीक है, पानी सोच के कभी गलती मत करना। तो अभी हम जा रहे हैं अपने कार की सफाई करने, क्योंकि मुझे जाना है जॉब पे। स्कूल आज हो गया है बंद, स्कूल जब बंद हो गया है तो आज पूरी राज है हमारी, जब तक चाहे लैब में रुक सकते हैं। लेकिन जब बर्फ़ आता है तो मेरा मन, बड़ा मन करता है बर्फ़ में खेलने का बच्चों के साथ। ठीक है, थोड़ा इंजॉय करेंगे 1.5 घंटा, फिर चलेंगे काम। मैं अपना कार का शीशा साफ कर देता हूँ। जब भी बर्फ गिरती है तो सारे अमेरिकन उठ के सबसे पहला काम करते हैं कार की सफाई करते हैं। देखिए सामने वाला कार क्लीन है, उसके पीछे वाला कार क्लीन है, मेरे पड़ोसी का कार क्लीन है। ठीक है, अगर आप बिना कार क्लीन किए यात्रा कर रहे हैं तो आपको कानूनन अपराध है। ठीक है, आपको ये बर्फ़ हटा के ही चलना पड़ेगा, ये नियम है, यातायात के नियम है। गुड, गिव हिम मोर सपोर्ट बडी। अन्य इसको साइड में भर के ना, और साइड में डाल दे ताकि थोड़ा सपोर्ट मिल जाए, नहीं तो गिर जाएगा वो।
हाथ में क्या कर रहा था कि कानूनन अपराध है, ठीक है। उसका कारण ये है कि जैसे कि यहाँ पर जहाँ पर मैं सफाई कर रहा हूँ, अगर आप सफाई नहीं करेंगे तो दिखेगा नहीं ड्राइवर को, जब दिखेगा नहीं, देखो ये सब ब्लॉक है ना, तो ड्राइवर को नहीं दिखेगा तो उसको चलाने में असुविधा होगी, तो एक्सीडेंट हो सकते हैं, ठीक है। और दूसरा कारण ये है कि जैसे आपने कुछ लोग क्या करते हैं, शीशे शीशे हटा देते हैं, ऊपर का छोड़ देते हैं, ठीक है। चलो वो भी सही है, कानूनन वो जो है गलत नहीं है, लेकिन कभी कभी क्या होता है जब चलाते चलाते क्या होता है पूरा खिसक के पीछे गिर जाता है, और उसके पीछे वाली जो कार है अगर उसके वजह से उसका कुछ डैमेज होता है तो आप रिस्पांसिबल होंगे, तो इसलिए जो है सब कुछ हटाना होता है। ये देखिए मैंने डंडा दोनों के खड़े कर दिए थे, नहीं तो ये फ्रीज हो जाते, जम जाते, निकलते ही नहीं है। वैसे मुझे जानकारी के लिए बता दो कि जिस दिन बर्फ़ गिरता है ना इतना अच्छा लगता है, इतना अच्छा लगता है, बड़ा अच्छा लगता है, बड़ा सुहावना दिन रहता है एक दिन, ठीक है। देखिए आप खुद ही देख लो, अब इसको साफ करने में तो और भी आनंद आता है। चलो वहाँ नीचे कौन चलेगा, अन्य हाँ आ जाओ नीचे चलते हैं। गुड़िया कार स्टार्ट कर देती कम से कम, चार में मेरे पास नहीं है। हाँ क्या करें, नहीं अभी मैं दोबारा वापस जाऊँगा ना, गुड़े थोड़ा गर्म पानी के करके ले आती है, कला दिखाना है माइक्रोवेव में गर्म करके किसी प्लास्टिक के मग्गे में भर के लाना प्लीज़। वो जो रखा है बच्चों वाला डिब्बा ना उसी में डिब्बे में भर के लाना, खोलता पानी लाना एकदम खोलता, एक एक कला दिखाना है, ठीक है ठीक है। मैं बच्चों को लेके जा रहा हूँ कंथैया में, तुम जो है कार स्टार्ट कर देना ताकि तब तक के पिघल जाए। देखिए कितना सुंदर लग रहा है, ऐसा लग रहा है कि एकदम कश्मीर की वादियों में आ गए हैं। अब देखो यहाँ पे बच्चे जो है स्लाइड करेंगे, ऊपर से नीचे तक जाएंगे, तब आएगा मज़ा। हा 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 हाय कि मैं बेकरार। अनु बैठो इस पे। ओके अन्य यू कैन सिट। ओ मैन इट कीप्स ऑन डूइंग दैट। आई डोंट नो देना जरा। आई फील लाइक माइन विल गो फास्टर। ओ नो डोंट थ्रो इट। पकड़ो अन्य सिट डाउन एंड होल्ड द थिंग इज ओके। अनु उसका फ्लैश हटा दे बटी। 2 3 4 तो इस तरह से आप देख सकते हैं अमेरिका में जो है जिस दिन बर्फ़ गिरता है उस दिन बड़ा चहल पहल रहता है, और जिस इलाके में मैं रहता हूँ इस इलाके में सारे बच्चे आकर के यहाँ पे खेलते हैं अपने अपने समय से। अभी मेरे आने से पहले कुछ बच्चे आए थे खेल के गए हैं, एक हमारे पड़ोसी का बच्चा इधर आ खेल रहा है, और वो देखो देख रहे हैं, तो इस तरह से बच्चे लोग यहाँ पे मौज मस्ती करते रहते हैं। गुड़िया गुड़िया लुक गुड़िया वन टाई, तुम तो अपने लिए ही खरीदी थी। वो जो बोर्ड आप देख रहे हैं, बोर्ड गुड़िया ने अपने लिए खरीदा था कि मैं करूँगी। आज वो दिन है और आज का दिन है। आ जाओ गुड़िया यू कैन सो इट। यू आर गोना सिट डाउन एंड डूइंग इट राइट या देयर ही इज ओ मुझे जाना है काम पे, तुम बच्चों का एंटरटेनमेंट करो, मैं जा रहा हूँ। ठीक है मैं तो जा रहा हूँ काम पे। और देखिए कार, देखिए ये है हमारी कार जो है अब साफ़ हो गई है ठीक ठाक। वैसे मैं जानकारी के लिए बता दूँ, जब भी जिस दिन बर्फ़ गिरता ना ये सावल सबके घर में होता है, ये वाला फरुहा, इसी फरुए से अभी पूरा सब साफ सफाई होगी, कम से कम वहाँ पे जहाँ पे आप पैदल जा सकते हो कार से निकलने के बाद। ये देखिए किनारे किनारे जगह है ना, इसको क्लीन करके वहाँ द्वार तक सफाई करते हैं सभी लोग। और ये भी जानकारी के लिए बता दूँ कि अमेरिका में जब भी बर्फ़ गिरता है तो ज़्यादातर जो खलिहर लोग होते हैं, ज़्यादातर जो लोग जिसका एज ज़्यादा होती है, जिसको हार्ट प्रॉब्लम होती है, उनको उन सबको बहुत हार्ट अटैक की वजह से डेथ हो जाती है। उसका कारण यही है कि
ठंडी में जब ये इससे फरुहा से काम करते हटाते हैं तो शरीर में बहुत ज़्यादा वो मेहनत करते हैं, ठीक है। लेकिन ठंड के वजह से आपको थकाई पता नहीं चलता है तो आप जरूर ज़्यादा करते रहते हो, लेकिन हार्ट जो है संभाल नहीं पाता है तो आप उनको जो है डेथ हो जाती है। तो ऐसा जो है अक्सर हिदायत दिया जाता है कि स्नो कंडीशन में ख़ासतौर पे ओल्ड लोग या फिर जिसको हार्ट की प्रॉब्लम है वो शावल का इस्तेमाल ना करें या कम करें। तो गर्मी के दिनों में आप जब आप काम करते हो जल्दी थक जाते हो, लेकिन ठंडी में जब दिनों में जब आप काम करते हो तो जल्दी थकते नहीं हो, आप करते रहते हो, आपको लगता है आपको थकान नहीं लगे, जबकि थकान लगी हुई होती है तो आपको हार्ट पर बहुत ज़्यादा दबाव पड़ता है। तो अमेरिका में ऐसे केसेस बहुत सुनने को मिलते हैं ठंडी के दिनों में, ख़ासतौर पर बर्फ़ गिरने के अगले दिन बाद। ओके, तो काम पे जाने से पहले मैं आपको पेम्बा इफेक्ट दिखा के जाना चाहता हूँ। ओके, पेम्बा इफेक्ट क्या होता है? देखो, पेम्बा इफेक्ट क्या होता है कि जब आपने अमूमन सुना होगा कि गर्म पानी हो और ठंडा पानी दोनों फ्रिज में रख देंगे तो कौन पहले जमेगा, ठीक है, उसका उत्तर है गर्म पानी पहले जमेगा, इसको पेम्बा इफेक्ट बोलते हैं। उसका कारण क्या है, लेकिन मैं कुछ और करने जा रहा हूँ, उसको भी पेम्बा इफेक्ट बोलते हैं। क्या होता है कि जब हम गर्म पानी को लेकर जाएंगे बाहर का तापमान बहुत ही ठंडा है, -20 डिग्री सेंटीग्रेड है, खोलते पानी को या फिर हॉट वाटर को हवा में जब फेंकते हैं तो चूँकि ये बॉइलिंग टेम्परेचर पे ऑलरेडी रहता है तो उसको बहुत इवापरेट करने की कोशिश करता है। जब इवापरेट करने की कोशिश करे तो इवापरेट हो भी जाता है, लेकिन बाहर का टेम्परेचर इतना ज़्यादा ठंडा होता है उसको बहुत जल्दी से उसको आइस में कन्वर्ट कर देता है, और जो आइस बन जाता है, जो आप सोचो कि जो गर्म पानी का हाफ हवा में है और तुरंत आइस बन जाए तो आपको दिखेगा वो चीज़, तो वो नीचे गिर जाता है, ठीक है। तो इसको बोलते हैं पेम्बा इफेक्ट। यही मैं करने जा रहा हूँ, देखते हैं होता है कि नहीं, ठीक है, थोड़ा बहुत तो होगा ही। ओके, हम रेडी, आपको देखेगा कि नहीं देखेगा। जय बजरंग बली और तोड़ दे दुश्मन की नली। बढ़िया, कुछ भी नहीं हुआ है। मुझे लग रहा है कि अभी पेम्बा इफेक्ट के लिए उतना टेम्परेचर का डिफरेंस अभी है नहीं, लेकिन ऐसा होता है। लेकिन टेम्परेचर मुझे लगता है कि अभी बहुत उतना ठंडा नहीं है जितना होना चाहिए, तो मिला जुला के एक्सपेरिमेंट हो गया है फेल, ठीक है। फेल से कभी डरने का नहीं, फेल से सीखने का, ठीक है। हम सब साइंटिस्ट लोग हैं, 20 बार एक्सपेरिमेंट करते हैं तो एक बार सही होता है, वो भी उसकी कोई गारंटी भी नहीं कि दोबारा वो होगा भी कि नहीं। रिप्रोड्यूसिबिलिटी मतलब एक बार जो आपका रिजल्ट आ गया, ज़्यादा खुश होने की ज़रूरत नहीं है, उसको बार बार करो, वही चीज़ रिपीट आ रहा समझ लो सही है, नहीं आ रहा तो समझ लो गलती से किसी तरीके से आ गया होगा, आपने कुछ गलत किया होगा ऐसा जो आपको पता भी नहीं है, ठीक है। तो टेम्परेचर ज़्यादा डिफरेंस होगा तब भी आपको पेम्बा इफेक्ट देखने को मिलेगा, इस कहानी से शिक्षा मिलती है। ओके, अब इसको नीचे कर देना है क्योंकि आपको गाड़ी चलाने जाना है। बाय बाय गाइस। ओके, तो आज बर्फ बहुत ज़्यादा गिर रहा है, आप देख सकते हैं बहुत ज़्यादा बर्फ़ गिरा है। तो बर्फ़ गिरने के चक्कर में मैंने इसका जो है वाइपर को खड़ा कर दिया था रात भर के लिए, ताकि कोई स्नो गिरेगा तो वो जमेगा नहीं अंदर, ऐसा सब लोग करते हैं तो मैंने भी कर दिया था। लेकिन जब गिराया धम में से गिरा, और गिरने के बाद देखो क्या हो गया, जो जहाँ पे क्रेक यहाँ तक हुआ था, अब क्रेक जो है यहाँ तक पहुँच गया है, ठीक है। अब कहीं ऐसा ना शीशा टूट के एकदम हाथ में ना आ जाए, ठीक है। तो एक तो जब मुसीबत आती है तो छप्पड़ फाड़ के आती है, ठीक है, ये है समस्या। अभी इंश्योरेंस कंपनी वाले को मैंने बोला था $1 के साइज़ के बराबर का है, लेकिन अब देखो साइज़ उसकी बड़ी हो गई है, ठीक है। तो ये सब समस्याएं हैं। तभी भैया सनिचर को आएगा फिक्स करने, अभी सनिचर आने में 5 दिन है, ये तब तक पता नहीं कहाँ शीशा कहाँ तक पहुँच जाए। मैं आपको दिखाता हूँ, बर्फ़ सफाई करने वाली ट्रक आ रही है, देख रहे हैं ना, बहुत बुरी तरीके सफाई करती है और इसे रेलते हुए चली जाएगी आज, और पीछे से हो सकता है नमक भी गिर रहा हो। पीछे से देखिए नमक का ढेरा रखा है ना ऊपर, तो नमक भी गिराते जाएगी और सफाई भी करती चली जाएगी, और जनरली ये रोड पे जितने भी बर्फ़ गिरे हुए सबको सफाई करते हुए चली जाएगी और पीछे पीछे नमक गिराते हुए चली जाएगी।